आप उसको ये भी तो कह सकते थे भाई गालियां ना दे, कब्र में बिच्छू आ सकते हैं। यासिर भी अगर मैं ये बात उसे करता तो उसने कहना था बिच्छू दी भी पहन दी। अब वो पुलिस वाला आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे? मैं फिर आईजी साहब को मुखातिब करूंगा। तो रोके पागल की तो शर्ट बाहर होती है, उसकी तो शर्ट अंदर थी। पागल तो मैं हूँ ये देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये है वो इलामा इकबाल का शाहीन जिसको मैं एचडी शाहीन कहूंगा, जिसने उस पुलिस अहलकार को रोका और उसने गंदी गंदी गलीज गालियां दी। इनसे पूछते हैं कि ये सारा मामला हुआ कैसे था और ये उड़ता तीर इनको लेने की जरूरत क्यों पड़ी? इसको रोके। ये साहब जो आपको वीडियोस के अंदर नजर आ रहे हैं, जो कि मुझ पे थप्पड़ों की बारिश कर रहे हैं और मुझे वो इस तरीके से तशद्दुद का निशाना बना, नाक पे भी ये बिल्कुल ये नाखून उनके लगे हुए हैं, ये मेरे चेहरे पे और ये आप माथे पे भी देख सकते हैं, ये नाखून के तकरीबन आपको मुखे लगे हैं। वो तकरीबन जब मैं उनके पास गया और मैंने उनकी खैरियत दरियाफ्त किया, मैंने कहा जी भाई कैसे हैं आप वो वीडियो प्ले करें, उसका स्टार्ट देखें आप कैसे हैं। दूर से उसको देखा हुआ था वो जब आपकी तरफ आ रहा था, या अचानक ही आपने हाथ दे दिया? नहीं, वो दूर से आ रहे थे और मैंने आगे आके उनसे बात करने की कोशिश किया, मैंने कहा जी भाईजान कैसे हैं आप, वो आगे से उन्होंने जनाब इतनी गंदी नाज़ेब अल्फाज़ इस्तेमाल की, इतनी गंदी गालियां दी। जब आपको सबसे अच्छी उनकी गाली कौन सी लगी जो उन्होंने दी हो? गालियां तो सभी गंदी थी, अच्छी तो कोई नहीं थी गाली। वो एक जो एक आपको लगी हो कि यार ऐ जरा थोड़ी सी बेहतर है कंपैरेटिवली। गालियां तो गंदी होती हैं, गालियां अच्छी तो नहीं होती ना। आप बता दें कोई एक गाली आपको अच्छी जो आपको लगी थी आप बता। आपने बार बार नाजरीन नाजरीन कहा, हम नाजरीन को टेंशन पड़ गई थी हमारी तरफ ना आ जाएगी। उसी जगह पे मैंने ऑन स्क्रीन जो है आईजी पंजाब साहब को मुखातिब किया और सीसीटीवी साहब ने तो कह दिया वो पागल था। जब वो आ रहा था तो मैंने तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं देखी थी, वो तो बड़े अच्छे तरीके से और फिजिकली तौर पे भी वो ठीक था और मेंटली तौर पे भी। ये आईजी साहब ने कहा है कि वो बंदा पागल था, उसने अपनी शर्ट भी अंदर की हुई थी पूरी और बूटेड सूटेड था, पूरा यूनिफॉर्म पहना हुआ था और वो बाइक चला रहा है। बाइक पे आपने जब गियर डालना है उसके बाद आपने क्लच छोड़ना होता है आहिस्ता आहिस्ता, पागल को तो पता ही नहीं होता कि बाइक किस तरह चलनी है। फिर दूसरी बात है, पागल की तो शर्ट बाहर होती है, उसकी तो शर्ट अंदर थी। पागल तो मैं हूँ ये देखें। क्या वो पुलिस का महकमा ज्वाइन करने के बाद पागल हुआ है या वो पागल था इसलिए आपने उसको नौकरी दी है? तो रोके। वो जो कांस्टेबल था जिसका नाम शाहिद जट था और जट्टों का वो बाल था, और उन्होंने कहा जी कि वो जो है मेंटली तौर पर जो है वो स्टेबल नहीं था, अगर ऐसा था तो वो फोर्स का हिस्सा क्यों था? बाकी भी फोर्स में इसी तरह के लोग हैं, कौन से इन्होंने आइंस्टाइन या न्यूटन रखे हुए हैं? ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या रखे हैं ये? आपको आईजी साहब ने यूट्यूबर भी कहा है, आप यूट्यूबर हैं? देखे ना, कौन यूट्यूबर नहीं है, आप भी तो यूट्यूबर हैं। दिली तौर पे आप चाहते थे कि नाजरीन को भी गालियां पड़े? नहीं नहीं, मैं ये कभी भी नहीं चाहता था। आप बार बार नाजरीन नाजरीन क्यों कह रहे थे? नाजरीन को वहाँ पे मुखातिब कर रहा था ना मैं। आपने तो जिस जिसको मुखातिब किया उसको उसने बड़ी बड़ी गालियां दी। हाँ यासिर भाई, अगर हो सकता है कि मैं अगर वहाँ पे आपको मुखातिब करता तो शायद वो आपको भी गालियां। आप उसको ये भी तो कह सकते थे भाई गालियां ना दे, कब्र में बिच्छू आ सकते हैं। यासिर भी अगर मैं ये बात उसे करता तो उसने कहना था बिच्छू दी भी पहन दी। तो रोके। पागल जो होता है, पागल को तो कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन उसको सारे पार्ट्स ऑफ बॉडीज याद थे, सारे शुमाली इलाका जात के नाम याद थे। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बड़ी तखलीकी गंदी गालियां दी। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई शक नहीं है इसके अंदर, और उसने बहुत ही नाज़ेबल। उन गालियों का कितना कितना असर रहा है? पूरी रात जो है नींद नहीं आई, बल्कि आज तक मैं सोया नहीं हूँ जितनी उसने मुझे गालियां दी हैं। और ये जो मेरे गाल पे ऊपर उसने वो जो थप्पड़ मारा है वो अभी तक मेरा जो है ना वो दर्द कर रहा है। मुझे अगर कोई बंदा गालियां दे और मैं आगे से उसको कह दूं पागल होए पागल होए पागल होए, तो आईजी साहब ने कुछ ऐसा नहीं किया? नहीं फिलहाल। आईजी ने कह दिया ये तो पागल है, ये दीवाना है। आईजी साहब ने अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी काली भेड़े जो हैं उनका सफाया। एक ही बंदा तो अकलमंद था पाकिस्तान में, उसको पागल करार दे दिया। यासिर भाई वो पागल था, वो माओ और बहनों की इतनी इतनी गंदी गालियां दे रहा था, वो पागल कैसे हो गया यार? पार्ट्स ऑफ बॉडी बिल्कुल क्लियर एचडी। जो शुमाली जात आप बता रहे हैं, शुमाली इलाका जात, शुमाली इलाका जात जो आप बता रहे हैं वहाँ का भी उसको पता है, हर चीज का उसको पता है। आप उसको कोई सी सात गालियां देना चाहे तो दे सकते हैं? नहीं मैं उसको गालियां तो नहीं दे सकता। दो दे दूं? चलो मैं उसको दे, अरे एक दे दो। सुन लेना यासिर भाई, एक गाली दे दो यार, सुन लेना मेरी बात प्लीज, एक गाली दे दो। बताता हूँ आपने, अरे एक गाली दें आप यासिर भाई, बात आपको गाली देनी पड़ेगी। मैंने उसको गाली, आप किस तरह के साहबी आप गाली नहीं दे रहे? नहीं हम सहाफी हैं, हम गाली क्यों देंगे? देखे नादिर ये देखे। अब वो पुलिस वाला आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे? मैं फिर आईजी साहब को मुखातिब करूंगा। तो रोके। फिर सीसीपी साहब को मुखातिब करूंगा।
हाँ करना उनको मुखातिब, पहले उन्होंने किसी का लिहाज नहीं किया उसने। तो बता रहे हैं मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया, शायद वो ठीक हो। तो इसलिए दाखिल करवाया कि वो मीडिया की नजरों से आजाद हो जाए। वो पागल पुगल नहीं है, मैं आपको अपने कन्फर्म राय से ये बात बता रहा हूँ। थाना इस्लामपुरा में ऑपरेशन विंग में वो बंदा तैनात है, और जिस दिन ये वाकया हुआ है उससे पिछले 2 दिन की उसकी हाजिरियां थाने में मौजूद है। जितने भी क्राइम रिपोर्टर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इस बात की तस्दीक कर सकते हैं अपने जराये से। आप मुझे बताएं, आपने बतौर ब्यूरो चीफ जब इस वीडियो को देखा उसके बाद आपको कितनी हंसी आई? बस जी, उसमें हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ कि एक बंदा जो है वो बिल्कुल यक लख्त आके तो इतनी जो है वो बेदरेग उसने गालियां शुरू कर दी, और इतनी ज्यादा मीम्स भी बन रही हैं। मीम्स भी बन रही है। मेरा ख्याल है कि वो 2-3 दिन पहले इसकी प्रैक्टिस करता रहा, उसको पता चल गया था कि नहीं बड्डी ने हमने सामना होना है हमारा, तो मैंने इस तरीके से बेदरेग गालियां देनी है। मुझे बताया आइंदा करेंगे इस तरह का इंटरव्यू? नहीं बिल्कुल जी, देखे जो उड़ता तीर लेने की कोशिश करेंगे, उड़ता तीर लेने की कोशिश नहीं, हम अपना काम जारी रखेंगे, और ये जहाद है और इंशाल्लाह इसको हम करते रहेंगे। आधा जहाद है जिधर गंदियां मां पहनियां गाना पह रही हैं। मेरा ये पैगाम भी है और ये मेरा मुतालबा भी है आईजी साहब से, जितने भी लोग जो है आम शहरी जो हैं वो थानों के अंदर जब जाते हैं तो इनका बिहेवियर उनके साथ कैसा होता होगा? हम जर्नलिस्ट हैं, हम सहाफ़ी लोग हैं, और हमारे साथ जिस तरीके से उस पुलिस एहलकार ने किया है तो ये अफसोसनाक बात है। मैं समझता हूँ कि जो सहाफ़त है वो रियासत का चौथा सतून है, और ये मुझ अकेले पर हमला नहीं है, ये मेरी पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी पे हमला है, और ये पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी पर हमला है, और ये सबको इस चीज़ पे स्टैंड लेना चाहिए। जितने भी मेरे साथ हम स्टैंड ले रहे हैं, मुज़म्मत भी कर रहे हैं और आपके साथ खड़े हैं। दूसरा ये कि जो आईजी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उसके अंदर आईजी साहब ने उस अहलकार को ये डिक्लेयर किया है कि वो मेंटली तौर पर डिसेबल था, स्टेबल नहीं था, लेकिन आपने तो अपने जवान को तो बचा लिया, आपने तो ये सारा मामला ठप कर दिया, लेकिन जो मेरी ज़ात के ऊपर उस बंदे ने उंगलियां उठाई हैं, जो मुझ पर तशद्दुद किया है, जो मेरी ज़ातियात पर जो उसने गालियां दी हैं इतनी नाजेबा अल्फाज में, जो मेरी माँ और मेरी बहन को और पूरी दुनिया ने वो गालियाँ सुनी हैं, उसका जवाब दे कौन है? हमने इनसे तंजो मजा से भरपूर गुफ्तगू की है। आईजी साहब ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन अगर अपने इन मातहत लोगों के लिए भी अच्छे इनिशिएटिव्स लेंगे तो आपके इदारे की साख ही बेहतर होगी और आपका इमेज भी बेहतर होने में मजीद मदद मिलेगी। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए, और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।